आंसू, जीत के लिए सिर्फ एक ही बॉल बचा है और इस बॉल पे तुझे ही छक्का लगाना है। कुछ भी कर, पर ये मैच जीता वरना तीन गुना लगान। तीन गुना लगान। मुनीब भाई आप फिक्र ना करें, मैं भी अपने बैट से गोल मारता हूँ। अबे गोल नहीं मारना, छक्का मारना है। अरे हुकूमत में रोटी कपड़ा और अबे बैट से छक्का लगाना है। ओ चल 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 चल। बाकी सब तो ठीक है, पर ये विट्टो में क्या फंसा हुआ है? Welcome to another episode of That's How I'm Wasting My Life. मुझे पता है मेरी तरह आप सब भी दिल बर्दाश्त हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बाद। बनता है यार, मतलब कोई फिटनेस, कोई स्ट्रेटेजी, कुछ नजर नहीं आई। एक उनका कप्तान देखो, फिर हमारा कप्तान देखो। इनफैक्ट हमारा कप्तान तो ग्राउंड में सोया हुआ था। आप यकीन ना भी करें तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। इंडिया पाकिस्तान का मैच, ओ यस, मैच शुरू हो गया। तुझे क्या लगता है कौन मैच जीतेगा? सॉरी। अबे क्या कर रहे हो? नहीं, अबे यार हार गए। अल्लाह एक मौका दे तू मुझे, मैं इनकी जगह होता तो उन्हें बताता मैच कैसे जीते हैं। अल्लाह मियां आप तो सीरियस ही हो गए। ये मैं कहां गया हूं? I'm gonna kill you. अंपायर, मैंने रिव्यू ले लिया, मैं आउट हूँ। बेटा 83 में रिव्यू नहीं होता। अबे मियां दाद आप? लड़के तोता किधर किधर? अबे तोता मार। मियां मिट्टू चूड़ी खानी है? अबे तोता। ओ अच्छा चौका, ऐसे बोले ना। 92 में भी ऐसे सुनते पान के गुटके। अगर तू इस बॉल पे आउट हुआ तो मैं अपने हाथ से तुम्हारे मुंह पे किक मारूंगा। और 92 के कुछ लगते हैं, हम 92 में ही हैं। क्या टाइम था यार वो। इंडिया से हारे पर वर्ल्ड कप जीते, और मेरे माँ बाप वर्ल्ड कप से ज्यादा इस बात से खुश थे क्योंकि वर्ल्ड कप से कुछ दिनों पहले मैं पैदा हुआ था। मेरे आईडी कार्ड के हिसाब से 96 के वर्ल्ड कप की टिकटें नहीं मिली तो फिर सीधा 99 में चला गया। श्वेत भाई आप? एक बॉल करा दिलेरी से करा। देख मैं जब बॉल करता हूँ, मैं जब आता हूँ तो दिलेरी से कराता हूँ, ठीक है? बड़े आजकल आप यूट्यूब पे हैं। सुन देख किशफिश, 99 में तो किस यूट्यूब की बात कर रहा है? और बात सुन, आउट अगर तुमने ना किया तो ये बॉल तेरे कान में घुसेड़ दूंगा। जी श्वेत भाई। इंजी भाई आप? इंडिया वालों जोन से है ना, इस बार तो तुम लोग जीत गए हो, पर एक बार जब ये मेरा भांजा बड़ा हो जाएगा ना तो तुम लोगों को लग पता जाएगा। भाई इस बॉल का क्या करूं? वैसे 99 की टीम हमारी हिस्ट्री की बेस्ट टीम थी। हाँ वो इंडिया से हारी लेकिन फाइनल में पहुंची। सुन लड़के, वो लाला बैटिंग करने गया, उसको नए ग्लव्स दे क्या? जी कोच। अच्छा रुक जा, लाला वापस ही आ गया। लाला की क्रिकेट की मेजोरिटी इनिंग्स अगर यूट्यूब पे लगाओ तो 30 सेकंड से ज्यादा की कोई क्लिप नहीं मिलती। इंजी भाई आप ड्रेसिंग रूम में? भाई आयरलैंड से मैच चल रहा है। ज्यादा मैच की फिक्र ना करो, 2019 में इमाम जिता देगा। इंजी भाई के जिंदगी के दो ही फलसफे हैं, जिंदगी चलती है ईमान भरोसे और क्रिकेट चलती है इमाम भरोसे। मिसबा भाई इस बॉल पे सिंगल लेनी है। मिसबा भाई चार बोले हो गए हैं। मिसबा भाई 200 बॉले हो गए हैं। मिसबा भाई अब तो अगला वर्ल्ड कप शुरू हो गया। मिसबा भाई आप खेलते थे, मैं जा रहा हूं। उस मैच में मिसबा भाई की स्ट्रीक इतनी तेज इनिंग थी कि मैं एक ही इनिंग में दो बार दाढ़ी शेव कराया था। इंजी भाई चैंपियंस ट्रॉफी में आया था, वर्ल्ड कप में भी जाएंगे। देखो जोन से है ना, तुम घबराओ नहीं, मैंने अपने इमाम को भेज दिया है।
मामू मामू मैं 7 रन बना के इंडिया के लिए मुश्किल खड़ी करके आ गया हूँ। वेल डन बेटा। हाँ? लड़के जोन से है ना, इधर आओ लूडो खेलते हैं। पर इंजी भाई लूडो तो 4 लोग खेलते हैं। और कुछ नहीं होता, अभी 2 मिनट में हफीज और मलिक ने वापस आ जाना है। कोहली भाई मैं बाउंड्री पे खड़ा हूँ, बॉले फेंकते रहे। ओए फकत उधर फेंक। वाह चकमा दे दिया। अबे उधर फेंक। मिकी हम जीत रहे हैं। मिकी हम आ रहे हैं। इन मैचों से ये पता लगा है कि इस वर्ल्ड कप के बाद हमारी टीम में बहुत सी तब्दीलियां होंगी, पर यही मसला है कि इस मुल्क में किए जाने वाले फैसले और पीटीसीएल की स्पीड कभी तेजी से नहीं चले। वीडियो का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस सच्चाई सामने लाना था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए जी, यहाँ पे 30 साल पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था। मिसबा भाई आप अब तक यहाँ?